हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उदयपुर, बाड़मेर सहित 7 जिलों में भारी बारिश की संभावना, अलर्ट किया गया जारी। राजस्थान में अगले 24 घंटे में कई जगहों पर बादल गरजने के साथ साथ बिजली गिरने और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी राजस्थान के जिले अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, जयपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और टोंक जिले में अनेक स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जिले बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। इतना ही नहीं, बारां, कोटा, झालावाड़, झुंझुनू और चुरू जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अनुमान है। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान कई हिस्सों में बादल चमके और बारिश हुई है। राज्य के पूर्वी हिस्से में हल्की से मध्यम तो पश्चिमी हिस्से में कहीं कहीं भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने बताया कि गुरुवार सुबह 8:30 बजे तक सबसे ज्यादा बारिश बीकानेर के पूगल में हुई, या 9 सेंटीमीटर पानी गिरा। पूर्वी राजस्थान के बारां के किशनगंज में 6 सेंटीमीटर, बारां में 5, राजसमंद के रेलमगरा में 5, बारां के अंता में 5, जयपुर के चोमू में 4 और कोटा के पिपलदा में 4 सेंटीमीटर और अन्य स्थानों पर 1 से 3 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार सुबह से शाम 5:30 बजे तक जैसलमेर में 47 मिलीमीटर, कोटा में 13.4, डबोक में 11, हनुमानगढ़ के संगरिया 11, बूंदी में 7 और सिरोही में 4.5 मिलीमीटर, बीकानेर में 4 और अजमेर में 3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। विभाग ने आगामी 24 घंटे के दौरान झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिराही, बाड़मेर, जालौर और जिलों में तीव्र मेघ गर्जन व वज्रपात के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं 8 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश व राजस्थान में बारिश हो सकती है। यह भी बताया है कि 9 जुलाई को उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा, चंडीगढ़ और दक्षिणी राजस्थान में भी बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र के कुछ हिस्सों में गुरुवार को भारी बारिश हुई और अगले 4 दिनों तक राज्य में और बारिश होने का अनुमान है। जागरूक टीवी के लिए जयपुर से खास रिपोर्ट।